Hey guys, once again, welcome back to the channel. You are with Shivangi Ranjana. How are you guys? I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और हाँ, मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बिकॉज मैं किसी काम से कहीं गई हुई थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं. और हाँ, आज भी मुझे काम है, मैं जा रही हूँ पापा के साथ, कुछ कुछ काम है तो करने, मार्केट में जा रही हूँ लाइक बाहर, तो आपको देखने को तो मिलेगा ही. तो भी थोड़ी देर में मैं निकलूंगी. मैंने सोचा ब्लॉगिंग शुरुआत कर लेती हूँ. और किसी ने मुझे कमेंट किया था, कहाँ हो दी, ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, थैंक यू, आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हो. तो चलो जल्दी से शुरुआत कर लेती हूँ मैं. Few moments later. सो गाइज, मार्केट में मैं इधर कुछ काम से आई थी. तो ये देखो जानकी मंदिर है. तो मैं यहाँ से आपको सीतामढ़ी का सोची चलो व्यू दे दूँ. और ये जो आप देख रहे हो सब ओल्ड टाउन है. लाइक सीतामढ़ी जो पहले का था और अभी तो बहुत आगे तक हो चुका है, और उधर का थोड़ा अच्छा एरिया है. तो ये पुराना है, काफ़ी पुराना है, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा. और ये जानकी मंदिर के पास का एरिया है. सीतामढ़ी जानकी मंदिर बहुत ज़्यादा ही फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर. और भी जगह से लोग आते हैं क्योंकि ये गॉडेस जानकी का बर्थ प्लेस है इसलिए. सो गाइस, मार्केट में मैं आपको यूं ही बाइक पर बैठे बैठे आपको व्यू दिखाते चल रही हूँ लोगों का भी. और बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, कपड़े का शॉप, बर्तन एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत कुछ है. तो मैं यूं ही थोड़ा बहुत इधर उधर अपना हाथ करके दिखा रही हूँ, और अपने फ़ोन का भी ध्यान रख रही हूँ कि मेरे हाथ से कोई फ़ोन ना ले ले, ऐसा भी तो होता है. आप लोगों को भी पता होगा. अभी इतना भीड़ है, जबकि पूरे दिन में तो आप इधर से अपना फोर व्हीलर लेकर आ भी नहीं सकते हो. वैसे भी आपको फोर व्हीलर यहाँ पे कम दिखेगा क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना, लोग सोचते हैं इधर से, ये मेन मार्केट का लाइक रोड है, और साइड से फोर व्हीलर वगैरह लाइक जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड होता है. क्या बता रही सर, आप ये स्टोर है, बहुत ही अच्छा शॉप है, यहाँ पर साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है. और सामने मंदिर आपको दिख रहा होगा, और इधर भी मैं आपको दिखाता जा रही हूँ. बैंक था इधर राइट साइड में, आपने देखा ही होगा. और धूप की वजह से मुझे तो खुद ही कम दिख रहा था कि मैं क्या रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, स्क्रीन पर कम पता चल रहा था क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा बाहर होने की वजह से स्क्रीन भी कम दिखता है. आप लोगों को भी पता होगा, ऑफकोर्स होगा ही. और SBI बैंक है, और बाटा का शोरूम है यहाँ पर. यहाँ पर भी कुछ काम है, बट पहले कुछ काम क्या, पापा को स्लीपर लेना है घर में पहनने वाला, क्योंकि उनका ख़राब हो गया है इसलिए. तो उससे पहले हमें कुछ और भी काम करना है, तो पहले उधर से आते हैं फिर इधर से शोरूम से लेंगे. और आज संडे है इसलिए संडे को जो भी छोटा मोटा काम होता है कर लो, क्योंकि फिर टाइम किसी को मिलता नहीं. और मैं तो जल्दी आना भी नहीं चाहती हूँ. और ये लखनदेई पुल है जो कि आप देख सकते हो, पानी कम और घास ज़्यादा उग गया है उसमें. पूरा शहर का गंदगी उसमें आता है, पता नहीं क्या बना रखा है. और यहाँ पर ये चौक आ गया, इधर है ये मैसौल चौक है, इधर और भी कुछ कुछ है. और यहाँ देखो अंकल अपना बैठकर पान का पत्ता गिन रहे हैं, तो मैंने इनका वीडियो ले लिया. और उधर स्टेशन रोड जाने साइड का रास्ता है, उधर स्टेशन जाती है. और ये मुजफ्फरपुर डेयरी, यहाँ से सुधा का मिल्क वगैरह मार्केट में आता है ना, वो है क्योंकि वहीं पर है इसका मेन ब्रांच जो भी है इसलिए. तो यहाँ पर, और ये है बैटरी का बहुत बड़ा शोरूम, तो यहाँ से हमें लेना है क्योंकि मेरे गाड़ी का बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए हम यहाँ से चेंज करने आए हैं. और भी कुछ है यहाँ पर, तो वैसे भी मुझे एक स्टेबलाइज़र भी लेना था, तो वो भी मैं बात कर लूँगी क्योंकि आजकल लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसी में लगाना ही पड़ेगा इसलिए. और अभी मैं इधर से अब कहीं और जा रही हूँ, मुझे और भी चलो. और हाँ, अभी ना मुझे जैसे मैं यूक्रेन वॉर के टाइम जो जैकेट पहनकर वहाँ से आई हूँ, सो अभी तक मैं ड्राई क्लीन में दी नहीं हूँ, और दूसरा कुछ तो मैंने लाया भी नहीं है, तो क्या ही कर सकती हूँ. एक आया था और एक और मैंने रखा था, बस दो ही आए. ये कारगिल चौक है, ब्लैक कलर का जो गेट आपने बड़ा सा देखा सो. और यहाँ पर स्टाइल बाजार ही कुछ कुछ छोटा छोटा मॉल खोल रखा है यहाँ के लोकलाइट्स के लिए. और ये शिव मंदिर है, बहुत ही अच्छा है. अभी तो एक फ्लोर का ही था, ऊपर से भी फ्लोर बना रहे हैं. यहाँ पे बहुत भीड़ होता है. और ये बस जा रही है पटना के लिए. और ये रोड है जाने का, इधर से ही जाती है. ये कुछ नया बनेगा शायद, कुछ कॉम्प्लेक्स है, मॉल वगैरह कुछ ऐसे बन रहा है, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता. और यहाँ हीरो का शोरूम है, आप देख रहे हो बाइक का. और मैं आपको ये भी दिखाते चलूँ, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया था उस टाइम, मुझे खुद जितना समझ आ रहा था कर ली, क्योंकि होता ना समय धूप पे कम दिख रहा था मुझे खुद का स्क्रीन. उधर वी मार्ट है, आप देख रहे हो. और यहाँ पे ये जो है ना नया सिटी लाइक इधर बसा हुआ है, और इधर का इसलिए थोड़ा कम क्राउड एंड ऑल, थोड़ा साफ़ सुथरा ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू वो पुराना वाला जो है. उधर बहुत ज़्यादा क्राउड, एकदम गिचपिच है, मतलब क्या होता जो भी है, ठीक है, अच्छा है. और गाइज, ये हॉस्पिटल है, ये तो बाद में ही बना होगा क्योंकि जब मैं थी उस टाइम में नहीं था. और अब मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि यहाँ से पापा को कुछ काम है तो वो देखेंगे, इसलिए चलो अंदर चलते हैं. आप भी देख लोगे हमारे साथ. यहाँ पे घर का चीज़ मिलता है, आप पता लग जाएगा क्या टाइल्स एंड ऑल का ये दुकान है, अच्छा शोरूम है. और मैं एक टाइल्स दिखाऊंगी आपको जो मुझे अच्छा लगा, ये वाला टाइल्स लेफ्ट जो ये देख रहे हो, मुझे अच्छा लगा. आप लोगों को कैसा लगा बताना कमेंट करके, मुझे अच्छा लगा, मैं इसके बारे में ही पूछ रही हूँ और आप उसे वही बताना.
और ये लेफ्ट साइड में जो डॉल्फिन वाला देख रहे हो, तो मैंने पहले भी एक बाथरूम में लगा रखा है तो अच्छा है वो। और फिर मैं आगे चलती हूँ क्योंकि अब मैं दे देती हूँ ड्राई क्लीन के लिए अपना जैकेट, वो लेकर आई हूँ घर से। अंकल तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं बाटा के शोरूम में, मैंने आपको दिखाया था वहीं पर, फिर से मैं आई हूँ क्योंकि यहाँ से पापा लेंगे स्लीपर जो आगे काम करना था वो हमने कर लिया, तो फिर लौट कर हम यहाँ आ गए हैं। और मैं यूँ ही आपको शोरूम में घुमा घुमा कर दिखा रही हूँ बिकॉज पसंद तो पापा को ही कर रहे हैं। इधर है मेन्स का स्लीपर तो देख रहे हैं, मैं यूँ ही दिखा रही हूँ। और अब हम लोग आ चुके हैं, ये रेडीमेड शॉप है जो कि बहुत पहले से है, मुझे लगता है 20 साल से ऊपर हो गया होगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ से मुझे कुछ कुछ लेना था लाइक हैंड वॉश का रिफिल एंड और भी कुछ तो ले लिया हमने। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये है कृष्णा स्वीट्स, बहुत ही अच्छा है, रेस्टोरेंट बन चुका है, पहले तो स्वीट्स एंड समोसे वगैरह का ही था, तो इसके अंदर इन करके आपको ये देखो बहुत सारा मिठाइयाँ यहाँ आपको मिल जाएगा, केक वगैरह भी है और बेकरी का भी सामान रखते हैं यहाँ पर। और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, तो मैं रेस्टोरेंट एरिया में आकर बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बैठ कर मैं यूँ ही अपना पोस्ट दे रही हूँ। और भी लोग यहाँ रहते हैं ना लोकल, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बस यूँ ही एक क्लिप मैंने अपना ऐड करा। और ये आ गया मेरा गर्मा गर्म चाट, समोसा चाट, मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी होता भी है। बाकी सो गाइज मैं बाहर से आकर सो गई थी इसलिए मैं ब्लॉग का एंड करना भी भूल गई, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बाहर जाओ और बाइक से स्पेशली जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और धूप भी, गर्मी का टाइम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यूँ ही नहीं जाती गर्मी की वजह से क्योंकि लोग जल जाएगा। वैसे आज टेम्परेचर थोड़ा कम लगा मुझे तो मैं चली गई थी एज़ कम्पेयर टू और भी दिन जो रह रहा था बहुत ज़्यादा। तो आज संडे भी था तो पापा के साथ चली गई थी मैं, कुछ कुछ काम भी था उनको और मुझे भी कुछ काम था तो हम दोनों लोग चले गए थे। और मैं घर आ गई और सो गई थी क्योंकि थक गई थी और टैनिंग वगैरह भी हो गया धूप की वजह से, कि मैं तो कवर करके गई थी फिर भी टैनिंग हो, धूप से मैंने सनस्क्रीन लगाया था उसके बाद भी टैनिंग हो जाता है कोई नहीं। और गाइज मैं बोलती तो हूँ कि चलो जल्द ब्लॉग बनाऊँगी बट कहीं ना कहीं बिजी हो जाती हूँ मैं, इसी वजह से नहीं बना पाती हूँ। सो फ्रेंड्स अब बातें बहुत हो गई, फिर मैं मिलूंगी, सॉरी थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और फिर मैं मिलूंगी अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जल्द कोशिश करूंगी बट मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे अभी फिर भी कहीं और भी जाना है, तो देखती हूँ फिर मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू, जल्द मिलूंगी। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब जो नहीं किया कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलना, बाय।